दोस्तों जब भी अच्छी और मस्कुलर बॉडी की बात होती है तो बैक मसल्स को जरूर इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि बैक एक ऐसी मसल्स होती है जो हमारी बॉडी को ब्रॉड यानी चौड़ा बनाती है। हमारी जो बैक मसल्स होती है वो ट्रैप्स मसल्स और लैट्स मसल्स से मिलके बनी होती है, और ये दोनों ही मसल्स काफी बड़ी मसल्स होती है। मतलब अगर आपने इन मसल्स को ट्रेन कर लिया तो आपकी बैक बहुत ज्यादा चौड़ी हो जाती है। आज के इस वीडियो में आपको 5 ऐसी एक्सरसाइज बताऊंगा जिनको फॉर्म करके आप अपनी बैक मसल्स को बहुत ही अच्छे से ट्रेन कर सकते हैं और उसे चौड़ा बना सकते हैं। तो आते हैं अपनी सबसे पहली एक्सरसाइज पे जिसको बोलते हैं डंबल रो। इस एक्सरसाइज को हम कुछ इस तरीके से परफॉर्म करते हैं। अपने हाथों में डंबल को लेके और एक्सरसाइज को इस तरीके से किया जाता है। इस एक्सरसाइज के हमें करने होते हैं 3 सेट 12 रिपीटेशन के। उसके बाद आते हैं अपनी अगली एक्सरसाइज की, जो कि काफी ज्यादा अच्छी एक्सरसाइज है, जिसको बोलते हैं बारबेल रो। इस एक्सरसाइज में अपने हाथों में हमको बारबेल को पकड़ना होता है, जो अपनी ग्रिप होती है वो थोड़ी दूर दूर रखनी होती है, और इस एक्सरसाइज को कुछ इस तरीके से परफॉर्म करना होता है। इस बात का ध्यान रखें, इस एक्सरसाइज में आपको अपनी जो पीठ है, अपनी जो बैक है, उसको बहुत ज्यादा बेंड नहीं करना होता है। पीठ को एकदम सीधा रखने की कोशिश करें और हल्का सा अपने घुटने को मोड़ के कुछ एक्सरसाइज को इस तरीके से परफॉर्म करें। इस एक्सरसाइज के हमें करने होते हैं 3 सेट 12 रिपीटेशन के। उसके बाद आते हैं अपनी अगली एक्सरसाइज पे, जिसको बोलते हैं टी बार रो। इस एक्सरसाइज को हम अपने टी बार पे कुछ इस तरीके से परफॉर्म करते हैं। एक्सरसाइज में आप जितना वेट उठा सको उतना आपके लिए अच्छा है, तो ज्यादा से ज्यादा वेट उठाने की आप इसमें कोशिश करें। इस एक्सरसाइज के हमें करने होते हैं 3 सेट 10 रिपीटेशन के। ये सभी एक्सरसाइज तो आप करोगे, इसके साथ में एक बात मैं आपको बता दूं कि जितनी भी एक्सरसाइज मैं बता रहा हूं, हर एक्सरसाइज के बीच में आपको ज्यादा गैप नहीं लेना है। मैंने पहले भी ये बात बताई है, जितना आप कम गैप लेते हो, जितना आप ज्यादा इंटेंसिटी से बढ़ाते हो अपनी ट्रेनिंग को, उतना ही आपकी जो मसल्स हैं उनमें ज्यादा एक्टिवेशन होता है और उनके ग्रो होने के चांसेस उतने ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। उसके बाद आते हैं अपनी 4th एक्सरसाइज पे, जो कि है लैट्स पुल डाउन, जिसे हम लैट्स मसल्स पे कुछ इस तरीके से परफॉर्म करते हैं। ये एक्सरसाइज हम जिम में करते हैं, और अगर आप इसी का अल्टरनेटिव अपने घर पे करना चाह रहे हो तो सबसे अच्छा जो ऑप्शन है वो है हमारा पुलअप्स। तो आप लोग अपने घर में पुलअप्स कर सकते हो, जो कि कुछ इसी तरह की एक्सरसाइज है। लेकिन मैं बहुत बार पुलअप्स की बात कर चुका हूं, ये मेरी कुछ बेस्ट एक्सरसाइजेस में से एक है, जो कि आपकी बैक मसल्स को काफी तेजी से ट्रेन करती है और आपकी ओवरऑल बॉडी को जो स्ट्रेंथ होती है वो भी काफी तेजी से बढ़ाती है। तो आप लोग पुलअप्स कर सकते हो, नहीं तो जिम में अगर आप लोग कर रहे हो तो लैट्स पुल डाउन आपके लिए काफी अच्छी एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज के हमें करने होते हैं 4 सेट 12 रिपीटेशन के। उसके बाद आते हैं अपनी अगली एक्सरसाइज पे, जो कि बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, जिसे आप घर पे भी कर सकते हो, जिम में भी कर सकते हो। इसको बोलते हैं बॉडी वेट रो। इस एक्सरसाइज को हम कुछ इस तरीके से परफॉर्म करते हैं, और इस एक्सरसाइज को करने से हमारी पुलअप्स करने की जो प्रैक्टिस होती है वो भी काफी अच्छी होती है। मैंने पहले ही बताया कि अगर आप लोग पुलअप्स नहीं कर पाते हो तो आई बटन में एक वीडियो डाल दूंगा, उसको देख लेना, पुलअप्स करना सीख जाओगे। आप लोग अगर बॉडी वेट रो लगाते हो तो वैसे ही आप लोग पुलअप्स करना धीरे धीरे सीख जाओगे। बॉडी वेट रो भी एक काफी अच्छी एक्सरसाइज है आपकी बैक मसल्स को ट्रेन करने के लिए, और वो जो आपको एक चौड़ा लुक देती है, जो आपकी बैक को चौड़ा बनाती है, वो एक्सरसाइज कुछ ये है, जिसको बोलते हैं बॉडी वेट रो। इस एक्सरसाइज के हमें करने होते हैं 3 सेट 15 रिपीटेशन के। थोड़े से रिपीटेशन इसमें ज्यादा करने होते हैं, क्योंकि इससे आपकी जो मूवमेंट है बैक की वो भी काफी अच्छी होती है और मसल्स ग्रोथ में भी ज्यादा हेल्प मिलती है। दोस्तों ये था आज का वीडियो, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।